हरियाणा विधानसभा चुनाव में शराब माफिया सक्रिय हो चुके हैं। सोनीपत में आबकारी विभाग ने 1162 पेटियां अवैध शराब की पकड़ी हैं। ट्रक ड्राइवर के गुरजन सिंह को भी दरअसल गिरफ्तार किया गया। ये शराब पंजाब से लाई गई थी और पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। ऐसी आशंका जाहिर की जा रही है कि इस शराब का इस्तेमाल हरियाणा विधानसभा चुनावों में ही किया जाना था। सर, एटीओ केसी कंबोज व एक्साइज इंस्पेक्टर श्री कृष्ण की टीम ने शराब इंडस्ट्रियल एरिया से एक ट्रक पकड़ा है जो कि इलीगल शराब बता रहे हैं और पकड़ के हमारे हवाले की है, जिसमें 1162 पौवा पेटी बाबा गोल्ड विस्की है और इसकी नियमानुसार कार्रवाई कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं।